गुड स्किन इज अ ब्लेसिंग बिकॉज अच्छी स्किन पाना वाकई में किसी वरदान से कम नहीं है। और आजकल इतना पोल्यूशन है, डस्ट है, रोज हम मेकअप भी करते हैं, सो पिंपल्स, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स बहुत कॉमन है। लेकिन अगर हम अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रखें तो डेफिनेटली एक ऐसी स्किन हम अचीव कर सकते हैं जिसपे मेकअप लगाने की भी जरूरत ना पड़े। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डेली और वीकली स्किन केयर रूटीन। एक अच्छे स्किन केयर रूटीन की शुरुआत होती है क्लेंजर से, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। सो दिन में दो बार आप एक अच्छे क्लेंजर या फेस वॉश का इस्तेमाल जरूर करें। एंड नेवर फॉरगेट टू रिमूव योर मेकअप बिफोर गोइंग टू स्लीप, यानी कि रात को फेस वॉश करना बहुत जरूरी है। जब भी आप फेस वॉश लगाएं तो बहुत ज्यादा फेस को रगड़े ना, आराम से वॉश करें सो दैट सारी धूल मिट्टी, इम्प्योरिटीज और पोल्यूशन साफ हो जाए। क्लेंजर के बाद बारी आती है टोनर की। टोनर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे फेस पे जितने भी ओपन पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं और टोनर लगाने से ना पिंपल्स भी कम होते हैं। सो जब भी आप मुंह धोएं टोनर का इस्तेमाल जरूर करें। अब बारी आती है मॉइस्चराइजर की। बहुत सारे लोग इस स्टेप को कर देते हैं इग्नोर, लेकिन मॉइस्चराइजर को स्किप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपकी स्किन हमेशा ड्राई रहेगी। और जितने लोगों को पिंपल्स रहते हैं या एक्ने रहते हैं वो अपनी स्किन के हिसाब से भी मॉइस्चराइजर चुन सकते हैं। क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के बाद बारी आती है स्किन की एक्स्ट्रा केयर की, यानी कि हमारी स्किन को चाहिए एक्स्ट्रा अटेंशन। तो वो कैसे मिलेगी आप बताइए। आप सीरम्स यूज कर सकते हो, सीरम्स आपका सेकेंड लेयर पे जाके वर्क करते हैं। डेली वेयर के लिए एज एन एंटी ऑक्सीडेंट अगर बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो आप यूज करोगे विटामिन सी। ये मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम आप यूज कर सकते हो। बेस्ट रहेगा अगर आप इसे अपनी सनस्क्रीन के साथ लगाएं। ओके, सो यानी कि विटामिन सी सेरम हम सुबह सनस्क्रीन के साथ भी लगा सकते हैं, नाइट में भी और रात को, और ये डेली सेरम। डेली सेरम, ओके। फिर आप आजकल मतलब एक्ने प्रोन का बहुत ज्यादा इशू है, बहुत पिंपल्स हैं सबको, मुझे भी रहते हैं, सो उसके लिए भी कोई सेरम? हाँ जी, वी डू हैव सैलिसिलिक एसिड, ये डीप एक्सफोलिएशन करता है, बट ये वीक में सिर्फ दो बार लगाना है। अच्छा, ये हफ्ते में सिर्फ इन पीएम रूटीन, नॉट इन द मॉर्निंग टाइम, बिकॉज दीज आर एक्टिव्स, तो ये स्किन पे काम करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ रात को लगाना है और हफ्ते में दो बार लगाना है सैलिसिलिक एसिड? ओके, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वाटरी टेक्सचर है, बहुत जल्दी आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो ये पिंपल्स को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। ओके, सो स्किन की एक्स्ट्रा ख्याल आप रख सकते हैं, विटामिन सी सेरम मैंने देखा, सैलिसिलिक एसिड है, रेटिनॉल भी आजकल बहुत चला हुआ है। एंटी एजिंग के लिए वी यूज रेटिनॉल, अल्फा ब्यूटिन है फॉर आपका स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन, विटामिन सी है, ये थोड़ा कंसंट्रेशन हाई वाला है, देन नियासिनमाइड है, ये आपका ऑयल कंट्रोल करता है, सीबम कंट्रोल करता है। कंसर्न के हिसाब से वी हैव सीरम्स हियर। आजकल हाइलुरोनिक एसिड सेरम्स का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है, हालांकि बड़े यूजफुल भी हैं। जिनकी भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है या फिर बहुत डल रहती है, अनइवन स्किन टोन है, तो उनके लिए ये सेरम्स बेस्ट हैं। इसे आप रोज लगा सकते हैं, सुबह मेकअप से पहले लगा सकते हैं और रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं। जब भी आप सेरम लगाएं एक बार जरूर ध्यान में रखें कि उसके सिर्फ दो ड्रॉप्स लें और अच्छे से फेस पर उसे ब्लेंड करें। स्किन केयर में हम आईज और लिप्स को कैसे कर सकते हैं इग्नोर? तो अगर आपको रहते हैं डार्क सर्कल्स तो एक अच्छी अंडर आई क्रीम रात को आंखों के नीचे जरूर लगाएं। जब भी आप अंडर आई क्रीम लगाएं ध्यान रखें उसे हमेशा रिंग फिंगर से ही लगाएं बिकॉज उसका प्रेशर सबसे कम होता है। और एक अच्छा लिप बाम भी आप रात को लगाकर सोएं ताकि नेक्स्ट दिन आपके लिप्स हो एकदम हाइड्रेटेड और सॉफ्ट। ऑल्सो अगर आपके पास सैलून या फिर पार्लर जाने का टाइम नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार 15 मिनट निकालकर एक शीट मास्क जरूर लगा सकते हैं। अलग अलग स्किन टाइप्स के हिसाब से आजकल शीट मास्क मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो आप लगाएं 15 मिनट के लिए एंड इंस्टेंट ग्लो पाएं। और एक बात का ख्याल जरूर रखें कि अपनी स्किन पर कोई भी एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट ना लगाएं, और अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं सूट करता है तो तुरंत उसे रोक दें। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग ट्रेंड्स 9।